हेलो एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग। पिछले दो दिन से एक पेट्रोल पंप पर रुका हुआ हूँ मैं। एक पूरी साक्षी गोपाल के मंदिर के बीच में पड़ता है पेट्रोल पंप। एग्जैक्ट जगह का लोकेशन का नाम नहीं मालूम है। हमारे मैंने मैनेजर साहब, इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। उसे दो दिन से बर्दाश्त कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं ये, बहुत हेल्प किया मुझे। फिलहाल अभी वीडियो शूटिंग चल रहा है। ये रूम है, यहाँ पे मेरा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे पलंग रुका हुआ था, मैं कल चला जाऊँगा। ये भी एक भाई है, इन्होंने बहुत तरह का हेल्प किया है मुझे। भाई तरह हेलो बोल दो। हेलो, क्या नाम है भाई? भाई मंटू। मंटू भाई ने बहुत हेल्प किया है। साक्षी गोपाल में ही हूँ। साक्षी गोपाल की स्टोरी मैंने बचपन से सुनी हुई थी। दर्शन करने का बहुत दिनों से मन था, लेकिन आप जाएंगे दर्शन करने। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है साक्षी गोपाल की, किसी दिन फुर्सत में सुनाएंगे। फिलहाल तो मेरा हेडफोन खराब हो गया है, एक नया अच्छा वाला हेडफोन लेने जा रहा हूँ। आसपास जो कि हाईवे का एरिया है, तो मार्केट हेडफोन का दुकान मिलना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी लोगों से पूछा मैंने कि बोला सामने ही एक दुकान है, चलो देख लेते हैं, अगर अच्छा वाला कोई हेडफोन मिल जाए टिकाऊ तो खरीद लेंगे। जगह ऐसी होती है जिनकी खूबसूरती, उनकी भव्यता एक अलग ही लेवल की होती है, मन को एक दूसरी दुनिया में ले जाता है। तो ऐसी ही एक जगह है ये साक्षी गोपाल मंदिर, और उसका ये पूरा क्षेत्र। इधर का रास्ता मंदिर को जाता है, तो उधर ही जा रहे हैं। मंदिर नज़दीकी है, ज़्यादा दूर नहीं है, पहुँच ही गए। मंदिर के बिल्कुल सामने ही पहुँच गए, बस एंटर होने ही वाला है। ये है वो फेमस ऐतिहासिक मंदिर, इसकी कहानी बहुत प्रचलित है। अभी मंदिर से निकला हूँ मैं दर्शन करके। मंदिर में कैमरा ले जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, अंदर कैमरा लेके अंदर नहीं जा सकते, घुसने नहीं देते, शूट नहीं करने देते, इसलिए एंट्रेंस वाला व्यू शूट नहीं कर पाए। खैर, बाहर का व्यू इतना सुंदर है, एंट्रेंस के व्यू की खास ज़रूरत नहीं होती। यह पूरा बाहर का व्यू, एक अजीब सी, एक बहुत ही सुंदर, एक डिवाइन एक्सपीरियंस होता है। वो सेम एक्सपीरियंस हर मंदिर में आप जाओगे तो वही एक कामनेस, एक शांति आपको महसूस होगी, एक अलग ही लोक की खबर लाती है वो शांति, वो स्थिरता है। हर जागृत मंदिर का ये एक कॉमन वाइब्रेशन है जो मंदिर में जाने के बाद ही फील होने लगता है। यह है साक्षी गोपाल मंदिर का भोग। ये भोग प्रसाद है, किस्मत वालों को मिलती है मंदिर का सीधा भोग प्रसाद खाने का मौका, और वो किस्मत वाला फिलहाल मैं हूँ।